लाइफ में कभी ना कभी आपको ऐसा तो जरूर लगा होगा कि आपका जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है वो काफी ज्यादा स्लो चल रहा है, और स्लो केवल इसी वजह से चल रहा है क्योंकि आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट है ना, उस लिहाज से आपका जो सिस्टम है, जो आपका मशीन है, वो उतना ज्यादा हाई एंड नहीं है या उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मीट नहीं करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर 7-8 साल पुराने पीसी पे विंडोज 11 चलाते हो तो वो उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देता है, काफी स्लगिश यहाँ पर एक्सपीरियंस होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आते हैं स्ट्रिप्ड डाउन ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यानी कि होते तो विंडोज 11 ही है लेकिन कुछ लोग उसे उस तरह से मॉडिफाई कर देते हैं कि वो लो एंड हार्डवेयर पर भी काफी आराम से चल जाते हैं। यहाँ पर कुछ टाइम पहले एक बंदे ने कमेंट सेक्शन पे बोला था कि भैया आप टाइनी 11 को कब रिव्यू कर रहे हो, तब मैंने सोचा भाई देखा जाए ये टाइनी 11 एक्चुअली में है क्या, तो पता चला कि ये एक विंडोज 11 का ही एक स्ट्रिप डाउन वर्जन है जिसको कि कुछ लोगों ने मॉडिफाई किया है और बहुत ही कम इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट होती है। मैंने सोचा एक काम करते हैं भाई, एक लो एंड मशीन पे इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है, क्या कॉम्प्रोमाइज आप करने वाले हो और क्या इसे ट्राई करना वर्थ है भी कि नहीं, इस वीडियो में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अब टाइनी 11 को आप कहाँ से डाउनलोड करते हो, यहाँ पर मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं रिकमेंड तो नहीं करता कि आप अपने मेन ऑफिस वाले सिस्टम पे आप इसे डालो। ये आप तभी डाल सकते हो जब आपका सिस्टम काफ़ी ज़्यादा लो एंड है या आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल या थोड़ा सा सिक्योर लेवल पे काम नहीं करते हो, केवल गेमिंग करते हो, तो ये आप इसे ट्राई करो। मैं इसका डाउनलोड लिंक नहीं देने वाला, जाकर आप गूगल कर लो, खुद ही मिल जाएगा। इंटरनेट पर यहाँ पर आपको 2-4 वर्जन टाइनी 11 के देखने को मिलते हैं। पर्सनली मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप नो TPM वाला वर्जन डाउनलोड करना, क्योंकि अगर पुरानी मशीन है उसमें TPM होगा नहीं तो ये वर्जन आपके लिए परफेक्ट रहेगा। इसका जो ISO का साइज होता है वो लगभग 3 GB से लेकर 3.5 GB के आसपास रहता है, डिपेंड करता है आप कौन सा ISO डाउनलोड कर रहे हो। और एक बार जब आप इसे डाउनलोड करते हो तो आप इसे अपने पेन ड्राइव पे बर्न कर सकते हो यूजिंग रूफस। रूफस से एक बार जब पेन ड्राइव बना लेते हो ना तो आपकी टाइनी 11 ऑलमोस्ट रेडी है। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा सा पोटेंशियल टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक लो एंड PC बिल्ड किया हुआ था, जहाँ पर हम लोगों ने यूज़ किया था जियोन का E3 1280V2, 8 GB की रैम है और हमारा ग्राफिक्स कार्ड भी मैंने लिया है 1660 सुपर। वो मैंने क्यों लिया है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो इस मशीन को अगर आप देखते हो ना तो ये लगभग 10-12 साल पुरानी है और विंडोज 11 के लिए तो भाई कहीं से भी कॉम्पैटिबल नहीं है, तो ये परफेक्ट थी हमारी टेस्टिंग के लिए। यहाँ पर अगर मैं आपको इंस्टॉलेशन वाइज बताऊं तो भाई टाइनी 11 को इंस्टॉल करना बहुत ही ज़्यादा इजी था। अगर आपने इससे पहले विंडोज 10 या विंडोज 11 इंस्टॉल करी होगी तो यहाँ पर आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही सिमिलर होने वाला है। मेन चीज़ इंस्टॉलेशन के टाइम आप ये नोटिस करते हो कि इसको इंस्टॉल करते टाइम TPM वाली वार्निंग नहीं आती, क्योंकि इसमें से ही वो फंक्शन हटा दिया गया है। बाकी अच्छी चीज़ ये भी है कि इंस्टॉलेशन के टाइम ये माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं मांगता साइन इन करने के लिए। जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं, विंडोज 11 में ये चीज़ कंपलसरी, आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट भी डालना पड़ेगा, वरना इसके बगैर आप विंडोज 11 को इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो ये लिमिटेशन भी यहां पर खत्म हो जाती है। बाकी टाइनी 11 को इंस्टॉल होने में हार्डली 5-7 मिनट लगा मुझे। मैं बता दूं यहां पर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोगों ने क्रूशियल की BMX 500 SSD पे इंस्टॉल किया है, जो कि 240 GB की हमें स्टोरेज प्रोवाइड करती है। बाकी अगर आप हार्ड डिस्क पे भी इंस्टॉल करते हो तो आपका एक्सपीरियंस कोई उतना बुरा नहीं होगा जितना बाय डिफॉल्ट विंडोज 11 में होता है, क्योंकि इसके अंदर से बहुत सारे एप्लीकेशन हटा दिए गए हैं, तो आपका हार्ड डिस्क का जो कंजम्पशन होता है वो काफी कम हो जाता है। नाउ अब यहाँ पर हमारी टाइनी 11 खुल चुकी है। पहली चीज मैंने यहाँ पर जो चेक करा ना वो ये है कि भाई इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो आपको एप्स देखने को मिलते हैं ना वो बहुत 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 ही कम है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको केवल 13 ऐप्स देखने को मिलते हैं प्री इंस्टॉल्ड। जिन लोगों ने यहाँ पर ओरिजिनली विंडोज 11 डाला होगा मैं बता दूँ बाय डिफॉल्ट वहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 40 ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, लगभग 3 गुना ज़्यादा है। मुझे एक चीज़ देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि डेवलपर ने विंडोज डिफेंडर को नहीं हटाया है, विंडोज डिफेंडर टाइनी 11 में आपको प्री इंस्टॉल्ड देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर आपको बाहर से जाके कोई थर्ड पार्टी एंटीवायरस को बाय करने की या विंडोज डिफेंडर को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप केवल अपडेट करना है एंड यू आर गुड टू गो। दूसरी चीज मैंने यहाँ पर ये भी नोटिस करी है कि जब आप लोकल डिस्क सी को देखते हो ना तो यहाँ पर टोटल जो हमारा स्पेस कंजम्पशन गया है वो है केवल 9 GB के आसपास। वो भी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम लोग ने ड्राइवर्स को भी इंस्टॉल कर रखा है। बाकी अगर आप डिफॉल्ट विंडोज 11 से कंपेयर करते हो तो विंडोज 11 नॉर्मली 24 GB के आसपास कंज्यूम करती है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम उन लोगों के लिए भी परफेक्ट रहेगा जिनके पास स्टोरेज की कमी है, लोकल डिस्क सी पे ज्यादा स्पेस नहीं दे सकते, वो भी टाइनी 11 के साथ जा सकते।
सिस्टम। उसके बाद मैंने एक्साइटेड होकर ये भी चेक करा क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट एक्टिवेटेड भी रहता है कि नहीं। लकली ये चीज़ एक्टिवेटेड नहीं है, तो आपको यहाँ पर इसको एक्टिवेट करने के लिए कीज की जरूरत पड़ेगी, जो कि आप हमारे स्पॉन्सर से बाय कर सकते हो यार। अगर बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट कर देता तो हमारा तो धंधा ही बंद हो जाता। हमारे स्पॉन्सर्स की वेबसाइट पर जाकर आप विंडोज 10 को केवल 500 रुपए में खरीद सकते हो और विंडोज 11 को बहुत ही कम प्राइस में। TIBG350 अगर आप यूज करते हो कूपन कोड तो आप अप टू 30% भी डिस्काउंट पा सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें दी हुई हैं। अब जाहिर सी बात है कम ब्लोटवेयर देखने को मिल रहे हैं तो रिसोर्सेज कंजम्पशन भी कम होगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो रैम कंजम्पशन रहता है ना वो रहता है केवल 1.5 GB के आसपास, जो कि बहुत ही कम है। और स्टार्ट होने के बाद जब आप 2-4 एप्लीकेशन खोल लेते हो जैसे कि ब्राउजर हो गया और 2-3 चीज़ें, तो यहाँ पर जो आपका रिसोर्सेज कंजम्पशन होता है ना वो लगभग 1.8 GB या 1.9 GB के आसपास आ जाता है, जो कि मैं मानता हूँ स्टिल काफ़ी कम है कंपेयरिंग टू ओरिजिनल विंडोज 11, जो कि आपको लगभग 4 GB के आसपास कंजम्पशन दिखाता है ऑल द टाइम आइडल के टाइम पे। तो अब यहाँ पर अगर आप टाइनी 11 ऐसे मशीन पे इंस्टॉल करने की सोच रहे थे जहाँ पर केवल 4 GB की रैम है ना, तो भी आप ट्राई कर सकते हो, इसका रिसोर्सेज कंजम्पशन बहुत ही कम होता है। नाउ अभी तक तो सब कुछ बढ़िया है, इसका रिसोर्सेज कंजम्पशन भी बहुत कम है, ब्लोटवेयर भी ना के बराबर देखने को मिलते हैं, तो सवाल उठता है कि आप इसे एक्चुअल में रियल लाइफ पे यूज़ कर सकते हो कि नहीं, और अगर आप यूज़ करने बैठते हो तो कहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ सकता है, इसके बारे में भी अब थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। मैंने तो भैया सोचा था इसको फुल्ली टेस्ट करेंगे, देखेंगे कहीं पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्ट तो नहीं बैठता, इसलिए सबसे पहले हम लोग ने इसमें डाउनलोड किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। भाई ऑफिस जब हम लोग ने यहाँ पर ट्राई करा ना, हमारे ऑफिस में MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल बहुत ही आराम से चल रहे थे, ऑफिस एप्लीकेशन को चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ने माइक्रोसॉफ्ट एज डाउनलोड करा, ब्राउजर है जो कि, ताकि ये देखा जा सके कि इंटरनेट ब्राउजिंग में हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, तो बिलीव मी यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यूट्यूब, फेसबुक, XDA डेवलपर जैसी वेबसाइट बहुत आराम से चल रही थी, यहाँ पर हमारा एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट नॉर्मली रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ने थोड़ा सा फोटोशॉप भी चला कर देखा, कहीं फोटोशॉप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड गेस व्हाट, फोटोशॉप चलाने में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अब एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाती है, अगर आप इसे केवल एज ए स्टूडेंट भी यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो, ऑफिस एप्लीकेशंस में या थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह में यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन व्हाट अबाउट गेमिंग, गेमिंग का क्या सीन है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट टाइनी 11 के अंदर, बाय डिफ़ॉल्ट क्या यार, नॉर्मली विंडोज 11 के अंदर लाइब्रेरी फाइल्स इंस्टॉल्ड नहीं देखने को मिलती हैं, जो कि आपको अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर मैंने भी AIO रन टाइम से सारी लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़े बहुत गेम्स चलाने के सोचे। पहला गेम मैंने यहाँ पर जब चलाया था ना वो था GTA 5, इसी वजह से मैंने ग्राफिक्स कार्ड भी लगाया था। पहला गेम यहाँ पर जो हम लोगों ने चलाया था वो चलाया था GTA 5। GTA 5 को जैसे ही स्टार्ट करा वो एक बार में रन भी हो जाता है, और थोड़ा बहुत GTA 5 खेला, यहाँ पर हमारा एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने जो गेम चलाया था ना वो चलाया था Witcher 3। Witcher 3 को जब हम लोगों ने चलाया तो वहाँ पर हमारा एक्सपीरियंस बढ़िया रहा, बहुत गेम वेम खेले तो हम लोग आराम से खेल सकते थे। फ़ोन से मैंने बेसिकली इसी वजह से रिकॉर्ड करा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक्सबॉक्स ऐप देखने को नहीं मिलता जिसकी हेल्प से रिकॉर्डिंग होती है, तो इसी वजह से बाहर से फ़ोन से हम लोगों को रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ तो यार टाइनी 11 में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा भाई वो फैंटेस्टिक रहा है। अगर आप यहाँ पर एक ऐसी मशीन यूज़ कर रहे हो जो कि थोड़ी सी लो एंड है, आपके पास सिस्टम के रिसोर्सेज उतने नहीं है जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट पे मीट कर सके ऑपरेटिंग सिस्टम की जो होती है, तो आप टाइनी 11 को ज़रूर ट्राई कर सकते हो। हालांकि और भी बहुत सारे स्ट्रिप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में मौजूद हैं, थोड़ा बहुत आप और भी रिसर्च कर लो, उनको भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं उनको रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वो फिर सिस्टम लेवल पे मॉडिफाई करे गए हैं, वहाँ पर बहुत सारी स्क्रिप्ट्स भी देखने को मिलती हैं, तो हो सकता है वो उतनी ज़्यादा सिक्योर ना हो जितना कि टाइनी 11 होती है। तब आप में से जो लोग टाइनी 11 ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं, जितनी टेस्टिंग मैंने करी है उसमें टाइनी 11 काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट उतरा है। वेल दोस्तों, इस वीडियो में आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि लोग लाते रहते हैं इसे डेली ऑसम कंटेंट। तब तक देखने के लिए थैंक यू।